उसके बाद हम 8 पॉइंट पे जाते हैं। 1940 के अंदर सर जी मादरत के साथ हमारे को तो ये भी नहीं पता किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, किताब पढ़ते कैसे हैं, और पढ़ते हैं ही नहीं, सीधी साफ सी बात है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि सर जी गोरे ने ना गोरा उसने इस पर भी किताब लिखी, हाउ टू से नोरी किसी सॉरी, हाउ टू से सॉरी यानी किसी को सॉरी कैसे कहते हैं, हाउ टू से नो किसी को नो करना हो यानी किसी से मदद करनी हो तो कैसे करते हैं, हर हर चीज़ पे उनकी किताबें हैं। हाउ टू बी ग्रेटफुल शुक्रगुजार कैसे हों, हर हर चीज़ पे उनकी ये किताब इस पर भी है कि हाउ टू रीड बुक्स, एक किताब है कि कैसे किताब पढ़ी जाए, किताबें पढ़ने का तरीका क्या, इसके ऊपर किताब है 1940 में लिखी गई है। आप सोच रहे हैं हमारे तो यहाँ कभी इतने ज़हन और गुमान भी नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह हम लिखेंगे ज़रूर, पूरी है उसके ऊपर। जैसे अब ये किताब है, अब देखें ये सर कासिम शाह की किताब है टीचर से ट्रेनर तक, ये मैंने कोर्स भी किया था यहाँ लगा हुआ है। अब चूंकि मैंने कोर्स किया था मुझे पता था ये बुक कैसे पढ़नी, सर को नहीं पता था, सर टीचर है मैं ट्रेनर हूँ, मैंने क्या किया इस किताब को पूरा पढ़ा, ट्रेनिंग के पॉइंट नोट कर लिए, ये रहे ये इससे येलो से, सर को दी, सर को बोला सर आपने एक काम करना है आपने टीचिंग के पॉइंट नोट करने इससे, ये याद रखिएगा ये बुक रीडिंग टिप्स है। सर को मैंने बुक दे दे के पढ़ाना सिखा दिए कि सर ऐसे पढ़ते हैं बुक, तो याद रखिएगा ये बुक की ये 8 पॉइंट मैंने इस 8 पॉइंट पे अमल करके। नंबर 1 सर जी रीड विद पर्पस, हमेशा मकसद से पढ़ें, हमेशा क्या पढ़ें मकसद के साथ कि यार मुझे इस टॉपिक पे पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक पे बात, जैसे मैंने अब ये लर्निंग एटीट्यूड पे रखी थी तो मुझे पता चला कि लर्निंग एटीट्यूड के लिए सबसे पहले आपका माइंड सेट बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए मेंटली स्ट्रांग की पीपल की किताब पढ़नी पड़ेगी मुझे। हालांकि ये किताब मैंने जो अभी ऊपर बताई ये 2 साल पहले पढ़ी थी, ये नोट्स पुराने चुके मैंने संभाल के रखे हुए थे, मुझे तो पता था आगे ये काम डालना है इंशाल्लाह इससे आगे ही जाएंगे, तो मैंने तब से संभाल के रखे हुए थे इस डायरी के अंदर, अभी तक ये 2 साल पुरानी डायरी। तो खैर सर जी नंबर 1 क्या है, रीड विद द पर्पस, हमेशा पर्पस से पढ़ें, ठीक है मकसद से पढ़ें। नंबर 2 सर जी पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती, याद रखिएगा पूरी किताब सिवाय कुरान मजीद की कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी है, हमेशा पढ़ें, फोकस ऑन सेंट्रल आइडिया यानी मेन बात पे फोकस करें कि इस बारे में, जैसे ये ट्रेनिंग टीचर है ट्रेनर के, टीचर तो मैं हूँ सर भी है, मैंने ट्रेनर बन गया, अब मैं इनको भी चाह रहा हूँ कि आप भी ट्रेनर बन जाए, तो टीचरिंग से ट्रेनिंग कैसे मैंने अब इस पर पढ़ूंगा ना मैं, तो इसमें सेंट्रल आइडिया, एक्सरसाइजेस, और नंबर 3 सजेशन कि बता क्या रहा है ये किताब वाला कि भाई ये काम करोगे तो मैं इतना बनोगे। तो सर की मैंने सारे सर सारे की सारे सर जी हमने ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं, देखो मुझे यहाँ सजेशन लिया है मैंने, अगर कोई ये किताब पढ़ेगा तो बोलेगा दानिश का सारा काम इस किताब के ऊपर ही है। खैर नंबर 3 ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू रीड, सर जी मुख्तलिफ तरीके बनाए पढ़ने के, कैसे इसके लिए एक तरीका। नंबर 1 सर जी पढ़ने के लिए एक तो अपनी स्पेस अलग करें, अगर पढ़ रहा हूँ मैं इस जगह पढ़ूंगा, इस जगह पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। नंबर 2 सर जी अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे डेली का 1 घंटा पढ़ूंगा इतने पेजेस बस, ये एक तरीका है, जगह का एक हो गया एक वक्त का हो गया। नंबर 3 वो कहता है कि डिफरेंट तरीकों के अंदर एक तरीका ये भी है कि आप पढ़ें आप किसी को दें, आप पढ़ो फिर हम दोनों क्या करें आपस में बहस करें, ये सर और मैंने काफ़ी हमने किया भी है एक वक्त के अंदर, किताबें पढ़ी सर को दी, अभी भी इनके पास मैंने अपनी तलाश पढ़ी हुई है, जुनेद के पास 7 हैबिट्स पढ़ी हुई है, फारूक के पास कोई पढ़ी हुई, कितने लोग ऐसे जिनके पास मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, वजह क्या मैंने पढ़ी मैंने उनको दे दिया, आप पढ़ो फिर हम डिस्कस करेंगे, क्या पता मेरी समझ में कोई बात ना आए। और एक बात बता दूँ जब आप बार बार पढ़ते हो ना बार बार तब आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, याद रहे पहली बार में हमेशा फिल्म भी समझ नहीं आती, सोचो तो क्या किताब समझ आएगी सर। तो ये 3rd पॉइंट, 4th कह रहा है वो कह रहा है इंटेंसिव रीडिंग लीड्स नोवेयर, सर जी अगर आप डेली पढ़ें हर जगह पढ़ें पढ़ी रहे मैं अभी ये जिसके बाल कटवाने गया वो कह रहे दानिश भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ आप पागल हो जाओगे, इतना बोल रहे हो तो इतना पढ़ते भी हो या बस ऐसे ही बोल रहे हो, तो मिलना नहीं पढ़ के बोले तो फिर बोला पढ़ के तो पागल हो जाओगे, मिलना नहीं मैंने टाइम रखा हुआ है, मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट भी एक वर्कशॉप हमारी पड़ी है, आखिरी वर्कशॉप टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के ऊपर है, मैं बताऊंगा कैसे प्लान करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी सर जी लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपको मिल गई है, इसे प्लानिंग से गुजारो, जिस वक्त में उस वक्त में बताओ कि मैं इस वक्त के अंदर हूँ, तो मैंने उससे बोला आप आइएगा उसके अंदर आपको बताएंगे हम कैसे प्लानिंग से पढ़ते हैं, कैसे प्लानिंग से नोट्स बना के चीज़ों को सबके सामने रखते हैं। नंबर 5 सर जी रीड ऑथेंटिक बुक्स, ये बड़ी बात है, ये मुझे सर समी है हमारे, उन्हें पता चला मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं जाकर उनके बैठता था तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आप किताबें पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, सलाउद्दीन की बातें कर रहे हो, सलाउद्दीन ये किया सलाउद्दीन ने वो किया, बोला ऑथेंटिक पढ़ो किसी ऐसे को पढ़ो जिस पे ऑथेंटिक भी हो, ये याद रखना, और ये मजहबी भी हो भले आप या जो भी किताबें पढ़े। अच्छा जी नंबर 6 अच्छा अगला पॉइंट है रीड मोर देन वंस, वही मैंने बात किया सर जी एक किताब को एक दफा ना पढ़े बार बार पढ़े बार बार, क्योंकि अगली बार आपके पास नई परतें खुलती जाती हैं, याद रखना टेक नोट्स, ये देखिए अब मैंने पूरी किताब को 13 पॉइंट में दे दिए ना, ये किताब के आपको 8 पॉइंट में दे दिए ना, टेक नोट्स क्योंकि नोट्स लिए थे, यकीन नहीं आ रहा सर जी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं प्रूव करता हूँ 2 साल पहले जितनी किताबें पढ़ी थी
दो साल पहले पढ़ी थी जब से सेशन स्टार्ट किए थे हमारे सेकेंड ईयर की, उसके बाद छुट्टियों के बाद। सर जी जो पढ़ी थी उनके सबके हमने नोट्स बनाते रहे क्योंकि हमें पता था ये होना है। ये देखें सर, ये है मल्टीप्लायर्स, लीडर्स के ऊपर सबसे दुनिया की नंबर वन किताब। फिर उसके बाद हम चलेंगे हाउ, ये मैजिक वर्ड्स, ये हाउ टू रीड बुक्स जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। हर किताब के हम क्या बनाते गए जी, नोट्स बनाते गए। और ये जी दी वन थिंग कैरी गिलर, इसको कासिम अली शाह साहब ने उर्दू में लिखा है जीत की जानिब के नाम से। अच्छा फिर क्या है, फर्स्ट 20 आवर्स, 20 घंटे में कोई भी स्किल सीखो, ये किताब हो गई। मतलब जो भी की फियर ऑफ फेलियर, इस पर हम करा चुके हैं वर्कशॉप। जो भी हमने किताब पढ़ी ना, हमने ये दो साल पहले बना के रख ली थी नोट्स, क्योंकि हमें पता था हमने ये काम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में करना है, ये नहीं पता था कि इतना जल्दी करना है। ये खैर अल्लाह की हम पर अनायत, भाई सीधी बात है, ये अल्लाह का शुक्र है। नंबर वन सर जी, सेवन बट आस्क क्वेश्चंस, याद रखिएगा, जरूरी नहीं आप पढ़ते जाओगे बहुत सारा नॉलेज हो गया। सर जी इस पे सवाल उठाएं कि मेरी अकल ये मान ही नहीं रही, ये बात कैसे हो सकती है, सवाल उठाएंगे तो ये याद रखिए, अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। आधा इल्म आ गया फिर आप जब जवाब ढूंढोगे तो फिर आपको पूरा इल्म मिलेगा, ताकि फिर आपकी नई सोच बनेगी। मैंने जो इतनी किताबें पढ़ी इसलिए पढ़ी कि अपनी किताब लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ेंगे, अपनी किताब इंशाल्लाह लिखेंगे। इंशाल्लाह इस साल के एंड पे एक किताब पहली लॉन्च कर देंगे, पूरा इरादा इंशाल्लाह। आखिरी पॉइंट सर जी, नो द राइटर, नो द राइटर। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये भी मैंने आपको किताबें दिखाई, आप बोलोगे इतनी किताबें कैसे पढ़ ली, पता है कैसे पढ़ी, मेरे तो कोई नहीं मिला था किताबें पढ़ने वाला। शासक की पहली बात है सारी किताबें पढ़ी जितनी थी पढ़ सकते थे, जितनी भी हैं 12-13 तो आधी पढ़ ली हैं। मजे का शासक के लेक्चर में शासक जिसकी बात करते थे ना उसका किताब निकाली पढ़ लिया। ये जो 13 हैबिट्स पता, ये मुझे शासक से पता चली थी। हाउ टू रीड बुक्स, ये भी मुझे शासक से पता चली थी। तो याद रखिएगा आप राइटर को जाने तो मैंने शासक को जाना, भाई एक बंदा है ठीक है ये काबिल एतबार है, अब ये जिस तरह से बोल रहे हैं तो उस तरीके से टीचर को टच करो। तो ये है अगला पॉइंट हमारे पास। अब सर जी आखिरी चलते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ी मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि सर ने भी जाना है, इंशाल्लाह इसको जल्दी खत्म करेंगे आखिरी पॉइंट के ऊपर। सर जी यहाँ तक बात समझ आइए, किताबें पढ़ेंगे इंशाल्लाह और मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल भी बने, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, सारी दुनिया एक तरफ हो, आप एक तरफ हो, आप बोले मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक हूँ।